ओके रीस्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे एंड ऑपरेटर इन एमएस एक्सेल। तो सबसे पहले हमारे पास एंड ऑपरेटर का काम क्या होता है, देखें। वैसे तो ये हमारा एंड ऑपरेटर एमएस एक्सेल के अंदर एज अ फंक्शन बिहेव कर रहा है, जबकि आपके पास कंप्यूटर के अंदर जो मदरबोर्ड होता है उसके अंदर जो आपको ट्रांजिस्टर्स वगैरह दिखते हैं उनके अंदर जब आपका डेटा फ्लो होता है या आपका करंट फ्लो होता है तो उसके, क्योंकि हम आजकल की जो मशीन्स यूज कर रहे हैं वो डिजिटल मशीन्स हैं, है ना, तो उनके अंदर आपके या तो डेटा फ्लो में होता है या स्टॉप होता है। डिजिटल डिवाइसेस है ना, तो जीरो और वन पे काम कर रहे होते हैं। तो ये जो हमारे लॉजिकल गेट हैं वो एक्चुअली उसी सर्किट्स के ऊपर ऑपरेट करते हैं। वो एंड और नॉट ना ही आपको एक्सेल के अंदर मिलेंगे, ये हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर भी मिलेंगे। सही है, आप जब देखते हैं ना यूजर लॉग इन करता है तो उसका पासवर्ड और ईमेल हम चेक करवाते हैं, ये भी एंड और के हिसाब से ही कुछ चीजें हो रही होती हैं। इनके साथ एक और फंक्शन जो इफ का फंक्शन आप यूज करते हैं एमएस एक्सेल के अंदर, वो भी काम कर रहा होता है। सही है, ये थोड़ा सा बैकग्राउंड है कि हम एक्चुअल में एंड ऑपरेटर जो या फंक्शन यूज कर रहे हैं ये वैसे मदरबोर्ड के ऊपर भी एज अ गेट्स वगैरह के हिसाब से काम आते हैं, जैसे एंड हो गया, और हो गया, नॉट हो गया। सही है, बाकी आपके जैसे जो भी एक्सेल के अंदर काम करते हैं उनके लिए एज इसको फंक्शन समझ ले, ये काफी है। सही है, तो हमारे पास सबसे पहले एंड, एंड का काम क्या होता है, और का काम क्या होता है, या नॉट का काम क्या होता है। सही है, तो इन तीनों तरह के फॉर्मूलाज का काम ये होता है कि एंड फंक्शन का काम ये है कि इसके अंदर हम एक से ज्यादा नंबर ऑफ जो कंडीशन है वो चेक करवा, क्या चेक करवाते हैं, एक से ज्यादा कंडीशंस। फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं, फॉर एग्जांपल कि मैं यहां पे आके ये चेक करूं कि एक वैल्यू, वैल्यू वन और वैल्यू टू अगर आपस में इक्वल है या एक वैल्यू दूसरी वैल्यू से बड़ी है या छोटी है, है ना, इसकी बदौलत अगर आपको काम करना है और आप चाहते हैं जब दोनों ही कंडीशन या एक कंडीशन जब आपकी ट्रू हो जाए तो आउटपुट इस तरह का आ जाए या उस तरह की आपको रिजल्ट दिखानी है, तो हम या तो एंड को यूज कर लेते हैं या तो और को यूज कर लेते हैं या तो नॉट को यूज कर लेते हैं। सही है, अब एंड ऑपरेटर कहता है कि मुझे अगर सारी की सारी कंडीशन, सारी कंडीशन अगर मुझे ट्रू मिलेंगी तो मैं आपको रिजल्ट क्या दूंगा, ट्रू दूंगा, वरना मैं आपको कभी भी ट्रू रिजल्ट नहीं दूंगा। कौन से क्लियर है, यानी इस तरह से देखें, मैं चाहता हूं अगर, अगर क्या होता है, इफ को कहते हैं ना, इफ फंक्शन जो आप पढ़ते हैं। सही है, इसी तरह से फॉर एग्जांपल आप किसी शॉप पे जाते हैं, आप कोई चीज खरीदने जाते हैं लेकिन आपके माइंड में होता है ना कि फिलहाल कलर और फिलहाल साइज मुझे लेना है ना अपने लिए, अगर वो एज इट इज कलर और साइज मिल जाती है तो मैं लूंगा वरना मैं कोई चीज नहीं लूंगा। ऐसे ही है ना, यानी दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, एक तो मैं जो कलर सोच के आया वही मिले और दूसरी चीज क्या, जो मेरे हिसाब से साइज है सपोज टी शर्ट वगैरह की वो एज इट इज चाहिए वरना मैं वो चीज नहीं लूंगा। तो दो कंडीशन पे आप डिपेंडेंट है, ऐसे ही है। तो आप इस तरह की कंडीशन जब अपने एक्सेल के अंदर भी अप्लाई करते हैं तो तब भी आप क्या चाहेंगे, एंड ऑपरेटर को यूज करेंगे। कौन से क्लियर हो गया, सही है। अब फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं यहां पे आते हैं, मैं एंड को यूज करवाता हूं, अब मैं कुछ वैल्यूज देता हूं इज इक्वल टू एंड, मैं इसको देता हूं कि अगर टू इक्वल है टू के, आप जानते हैं टू बराबर है टू के, ऐसे ही है ना, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। तो यह था लॉजिकल वन, ये क्या कहलाएगा, लॉजिकल वन, इसका मकसद ये पहली कंडीशन थी कि अगर टू बराबर है किसके, टू के, तो ये हमें क्या आउटपुट देगा। सपोज मैं एक ही कंडीशन चेक करवाता हूं, कवर करता हूं, इंटर करता हूं, क्या बता रहा है, ट्रू कि यस टू इज इक्वल टू टू। तो आप चाहें तो एंड के अंदर एक कंडीशन या एक से ज्यादा कंडीशन भी चेक करवा सकते, कॉन्सेप्ट क्लियर है। अभी मैंने उससे सिर्फ क्या पूछा था कि क्या 2 बराबर है 2 के, फिर मैं उससे पूछता हूं कि क्या 4 बराबर है 5 के, तो बोलेगा पहली कंडीशन तो ठीक है 2 बराबर है 2 के,
लेकिन सेकंड कंडीशन ट्रू नहीं है। यानी इस तरह से कि आपको उस शॉप से वही कलर शर्ट का मिला लेकिन वो शर्ट आपके साइज की नहीं। हमसे क्लियर हो गया? यानी एक कंडीशन वो ट्रू कर रहा है, दूसरी कंडीशन ट्रू नहीं है। तो उस जो है आप समझ लो उसके मुताबिक आप क्या करेंगे, आप दूसरी शॉप विजिट करेंगे या आप वहां से कोई चीज नहीं खरीदेंगे, यही है ना। तो एज इट इज यहां पे हमारे पास क्या होगा कि यहां पे भी एंड ऑपरेटर इसी तरह से काम करता है, वो कि जब तक सारी कंडीशंस हमारी सेटिस्फाई नहीं होती आपको आउटपुट ट्रू नहीं मिलेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? और मैं जैसे ही इंटर करूंगा तो आपको बता देगा फॉल्स, क्योंकि इसकी पहली कंडीशन ट्रू थी, दूसरी कंडीशन फॉल्स है। ओके जी, तो एंड ऑपरेटर का काम क्या है कि जब भी आप इसको एक या एक से ज्यादा वैल्यू चेक करवाएंगे और जब तक इसको सारी की सारी वैल्यूज ट्रू नहीं मिलती तब तक वो आपको ट्रू नहीं देगा, राइट। ये चीज हम ऑलरेडी जो है वो डिस्कस कर चुके। उसके बाद हमारे पास क्या है, और ऑपरेटर। और ऑपरेटर कहता है कि अगर आपकी कोई भी कंडीशन या कोई भी लॉजिकल कंडीशन एक भी ट्रू हो जाती है तो ये आपको आउटपुट क्या देगा, ट्रू देगा। यानी अगर इसमें पांच कंडीशन है और एक कंडीशन ट्रू हो जाती है तो ये आपको आउटपुट क्या दे देगा, ट्रू दे देगा। कौन से क्लियर? इसी तरह से यहां पे हमारे पास क्या है, नॉट ऑपरेटर है। नॉट ऑपरेटर सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू पे काम करता है। ये कहता है कि अगर आप मुझे वैल्यू ट्रू देंगे तो मैं आपको फॉल्स दूंगा और अगर आप मुझे फॉल्स देंगे तो मैं आपको क्या दे दूंगा, ट्रू दे दूंगा। यानी ये काम करता है आपके अपोजिट वैल्यू, ट्रू दो तो फॉल्स, फॉल्स दो तो ट्रू। कौन से क्लियर हो रहा है? इस तरह से। तो सबसे पहले ये कैसे अप्लाई होते हैं, एंड को हम पहले से थोड़ा सा इसको ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। मैं डायरेक्ट पास भी कर सकता हूं वैल्यूज, ये यहां पे आके मैं इस तरह से भी दो वैल्यूज मैंने रखी है, इज इक्वल टू ए एन डी स्टार्ट अ ब्रैकेट। मैंने इसको कहा कि क्या टू तीन से छोटा है, तो पहले मैंने इसको टू वैल्यू सिलेक्ट करवाई, फिर मैंने लिखा लेस देन, किससे, तीन से। अगर ए वन अगर छोटा है बी वन से, यानी टू अगर छोटा है थ्री से, तो क्या करो मुझे बताओ एंड ऑपरेटर क्या बता रहा है। तो एंड बता रहा है कि आपका ये सच में ट्रू है, क्यों, क्योंकि हमारी टू की वैल्यू थ्री से छोटी। कौन से क्लियर हो गया? सही है। इस तरह से हम किसी भी तरह की कंडीशन को अप्लाई करते हैं इन एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर का दूसरा कमाल यह है कि सिर्फ ये एक ही लॉजिकल कंडीशन पे काम नहीं करता। अभी देखें हम सिर्फ और सिर्फ उससे एक ही जो है कंडीशन पूछ रहे थे कि क्या टू छोटा है थ्री से, लेकिन ऐसी में 15 चीजें पूछ सकता हूं कि फोर छोटा है फाइव से, जो है 15 बड़े हैं इससे, है ना, इस तरह से होता है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, हम एक्चुअल में मल्टीपल कंडीशंस भी एंड या और ऑपरेटर से चेक करवा सकते हैं, ठीक है। लेकिन एंड कहता है जब तक सारी की सारी लॉजिकल कंडीशंस आप ट्रू नहीं देंगे मैं आपको ट्रू रिजल्ट नहीं दूं। कौन से क्लियर है? यानी अगर कोई बच्चा यहां पे एडमिशन लेना चाहता है तो कुछ कंडीशंस होती है ना कि उसकी इंटर की परसेंटेज इतनी होनी चाहिए, एंट्री टेस्ट में इतना स्कोर होना चाहिए, तभी वो बच्चा जो है वो अप्लाई कर सकता है किसी एंट्री टेस्ट के अंदर या नहीं कर सकता, राइट। या फॉर एग्जांपल एडमिशन उसको मिलेगा या नहीं मिलेगा, इट डिपेंड्स ऑन मल्टीपल कंडीशंस, और वो सारी की सारी ट्रू होनी चाहिए वरना उस बच्चे को फेल करा दिया जाता है, ऐसे ही है ना। तो एंड ऑपरेटर इस तरह के सिनेरियोस के अंदर अप्लाई होता है। उसके बाद हमारे पास है कि एंड को अगर मल्टीपल चीजों पे ट्राई किया जाए, इज इक्वल टू स्मॉल में एंड लिखो कैपिटल में लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, एमएस एक्सेल आपको वेलकम करेगा, लेकिन इज इक्वल लिखना लाजमी है। अब आप चेक करवाएंगे कि क्या 4 बराबर है 4 के, तो यस, ये हम भी जानते हैं कि 4 बराबर है 4 के ना, एक कंडीशन ये हो गई। अब दूसरी कंडीशन देने के लिए आपको सिर्फ कॉमा देना है, जैसे देखें ये लॉजिकल 1 हो गया जो मैंने अभी लिखा, अब मैं किसमें लिखूंगा, लॉजिकल 2 में, यानी मैं दूसरी लॉजिक चेक करवाऊंगा। मैं से दूसरी लॉजिक ये चेक करवाता हूं कि क्या 5 जो है वो बड़े हैं किससे, 1 से, तो ये भी ट्रू है।
चार भी बराबर है चार के और पांच भी बड़े हैं एक से, तो हमारी ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। जैसे मैं एंटर करूंगा एंड ऑपरेटर आपको क्या रिजल्ट देगा, ट्रू देगा, सही है। इसी तरह से मैं इससे अब एक और चीज पूछता हूं कि एंड ऑपरेटर साहब अबे आप हमें एक काम करो, ये बताओ कि क्या 12 किससे बड़े हैं, 6 से बड़े हैं, तो ये कहेगा यस बड़े हैं, है ना, ये ग्रेटर देन सिंबल दे देंगे आप। उसके बाद आप इससे पूछेंगे कि क्या 5 जो है वो बराबर है 5 के, ये बोलेगा ये भी ट्रू है। फिर अगेन ठीक है, अगेन मैं इससे तीसरी कोई चीज पूछता हूं, मैं इससे पूछता हूं कि क्या 3 जो है ठीक है वो छोटा है 1 से, तो ये भी ट्रू हो गया। यानी सारी कंडीशन हमारी ट्रू होती जा रही है। मैं लास्ट में इससे पूछता हूं कि क्या 1 जो है वो छोटा है 0 से, 1 छोटा नहीं है 0 से, ऐसे ही है ना। तो पहले की 3 कंडीशन ट्रू है, चौथी कंडीशन हमारी फॉल्स है, ऐसे ही है ना। पहले की जो 3 कंडीशन है वो ट्रू है, चौथी कंडीशन हमारी फॉल्स है, तो ये आउटपुट क्या देगा, फॉल्स देगा। ठीक है, मैं आता हूं एंटर करता हूं, क्या दे रहा, फॉल्स दे देगा। कौन से क्लियर हो गया, या आप डायरेक्ट भी पूछ सकते हो उससे ना, एंड ऑपरेटर आपने लिखा, सपोज मैं एक अप्लाई कर रहा था, आपने लिखा इज इक्वल टू एंड, मैं लिख रहा हूं ट्रू कॉमा ट्रू कॉमा ट्रू कॉमा फॉल्स, इस तरह से भी चेक कर सकते हो डायरेक्ट लिख के कि पहली 3 कंडीशन ट्रू हो और चौथी हमारी अगर फॉल्स हो जाए तो क्या देगा, ये फॉल्स देगा। और सीक्वेंस का कोई मैटर नहीं होता, अगर आपकी फॉल्स पहले आ जाए या बाद में आ जाए, कभी भी कहीं पे भी फॉल्स अगर आपका आ जाता है तो एंड ऑपरेटर आपको क्या देगा, फॉल्स ही देगा, सही है। अगर 1000 कंडीशन है और 999 ट्रू है एक फॉल्स है, तो आपका आउटपुट क्या आएगा, फॉल्स ही आएगा। आंसर क्लियर है, ठीक है। तो आपका एंड ऑपरेटर इस तरह के सिनेरियोस में यूज होता है जहां पे आपको सारी की सारी कंडीशन ट्रू चाहिए, ठीक। उसके बाद हम बात करेंगे और ऑपरेटर की। अब और ऑपरेटर थोड़ा अपोजिट है एंड के, वो इस तरह से काम करता है, वो कहता है कि आप मुझे जितनी भी कंडीशन देंगे, आपको सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन अगर आपकी कहीं पे भी ट्रू होती है, मैं आपको रिजल्ट में ट्रू दे। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, आपको मैं रिजल्ट में ट्रू दे दूंगा, सही है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं यहां आता हूं, ओ इज इक्वल टू और ब्रैकेट स्टार्ट, मैं इसको पहली कंडीशन दे देता हूं फॉल्स, सेकेंड फॉल्स, थर्ड फॉल्स, फोर्थ फॉल्स, लास्ट कर देता हूं ट्रू, तो ये क्या बताएगा, ये आउटपुट में आपको ट्रू दे देगा। क्या दे रहा है, देखें ट्रू दे रहा है, क्योंकि और की रिक्वायरमेंट ये है कि मुझे कोई भी कंडीशन एक ट्रू दोगे तो मैं रिजल्ट आपको क्या दे दूंगा, ट्रू दे दूंगा। कौन से क्लियर है, जब मार्कशीट के आप ग्रेड वगैरह मालूम करते हैं ना, तो अगर आपकी परसेंटेज 40 है, 30 है, 60 है, 70 है, 80 कुछ तो होगी, है ना, तो कोई ना कोई कंडीशन ट्रू हो जाती। तो इस तरह से आप कोई जो है सिनेरियो बनाएंगे, उसमें जहां पे आपको यूज करना है आप कर लोगे। या अगर आप इसको वैसे लिखना चाहते हैं और आप इससे पूछ रहे हैं कि क्या 1 जो है वो ग्रेटर देन है किससे, 0 से, तो ये कंडीशन ट्रू है। फिर मैं इससे पूछ रहा हूं कि क्या -1 ग्रेटर देन है 1 से, -1 0 से बड़ा तो नहीं है ना, ऐसे ही है ना, तो आपको ये क्या बताएगा, फिर भी आपको रिजल्ट ट्रू बताएगा, क्योंकि इसकी एक कंडीशन फॉल्स है और एक कंडीशन ट्रू है, तो आउटपुट क्या देगा, ट्रू ही देगा, सही। लेकिन और ऑपरेटर के अंदर अगर आपने सारी की सारी कंडीशंस फॉल्स दे दी, इज इक्वल टू और आपने लिखा कि यहां पे 2 बराबर है 2 के, सॉरी 2 बराबर है 4 के, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई ना, 2 बराबर नहीं है 4 के। फिर दूसरी कंडीशन भी इस तरह की दे देता हूं कि क्या 5 बराबर है 10 के, क्या 10 बराबर है 20 के, तो ये सारी की सारी कंडीशन फॉल्स है, तो अब आउटपुट क्या आना चाहिए, फॉल्स आना चाहिए।
तो आर कहता है जब आप सारी की सारी कंडीशन मुझे फॉल्स देंगे तो मैं आपको क्या दूंगा, फॉल्स वैल्यू। कौन से क्लियर हो रहा है? सही है। तो ये आपके और ऑपरेटर का काम है। उसके बाद हमारे पास एक तीसरा ऑपरेटर आता है जिसको हम नॉट ऑपरेटर कहते हैं। नॉट ऑपरेटर का काम ये है आप समझ लो कि कोई भी इस तरह की चीज जिसको आप एक चीज बोलो लेकिन वो आपको अपोजिट में कोई चीज सुनाए। सही है। तो ये कुछ इस तरह से काम करता है, ये कहता है कि अगर आपने मुझे ट्रू वैल्यू दी तो मैं आपको क्या दूंगा, फॉल्स दूंगा। सिंपल, तो मैं आ रहा है कुछ, यानी मैं इससे पूछ रहा हूं ट्रू, ये बोला है फॉल्स। कौन सा क्लियर है? तो ये इस तरह से, सपोज मैं यहां आता हूं, इससे पूछता हूं नॉट टू इक्वल टू टू। अब टू इक्वल टू टू ट्रू है ना, टू सच में बराबर है टू के, लेकिन नॉट क्या कर देगा, उसको अपोजिट कर देगा, यानी जो आउटपुट आना है ना वो ट्रू आना है, उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, फॉल्स में कन्वर्ट कर देगा। कौन सा क्लियर हो गया? तो ये हमारे तीनों तरह के लॉजिकल ऑपरेटर या लॉजिकल फंक्शंस कहलाते हैं एमएस एक्सेल के अंदर, जिनके बदौलत बहुत सारे फॉर्मूलाज इनको लेके भी यूज करते हैं। आगे चल के आप जब यूज करेंगे तो इफ के साथ भी एंड यूज कर सकते हैं, इफ के साथ और भी यूज कर सकते हैं, इफ के साथ नॉट भी यूज कर सकते हैं। कौन सा क्लियर हो गया? ये बाकी तकरीबन जो फॉर्मूलाज हैं उनके साथ भी आप यूज कर सकते हैं,